जय नाग देवता। दोस्तों, वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे नाग पंचमी की पूरी कथा और पूजा विधि के बारे में। क्या आप जानते हैं कि नाग भगवान शिव के ही अंग भूषण माने जाते हैं? नाग पंचमी एक ऐसा दिन है जब भगवान शंकर के साथ साथ नागों की भी पूजा लोग करते हैं। कहते हैं इस खास दिन अगर कोई भगवान शिव और नाग की पूजा साथ में करता है तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। बता दें कि नाग पंचमी श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में भी नाग को हर पंचमी तिथि का देवता भी माना जाता है, लेकिन नाग पंचमी पर नाग की ही पूजा को खास महत्व दिया जाता है। यही नहीं, नाग पंचमी का पर्व धार्मिक आस्था और विश्वास के सहारे हमारी बेहतरी की कामना का प्रतीक भी है। ध्यान रहे कि यह जीव जंतुओं के प्रति संभाव, हिंसक प्राणियों के प्रति भी दया भाव और हिंसा को त्यागने की प्रेरणा देता है। यूं देखा जाए तो यह पर्व हमें पर्यावरण से भी जोड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि हम आगे आपको नाग पंचमी की पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, तो जानते हैं क्या है नाग पंचमी की पूजा विधि। सुबह सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई कर लें, नहाने के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े ही पहने। वहीं पूजा के साथ सेवइयां चावल बनाएं। वैसे कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया जाता है और फिर नागपंचमी के दिन उस बासी खाने को खाया जाता है। ठीक इसके बाद अपने घर की दीवारों पर गेरू पोतकर पूजा करने के लिए स्थान तैयार कर लें और फिर कच्चे दूध में कोयले को घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाएं और उसमें अनेक नाग देवताओं की आकृति बना लें। यही नहीं, कुछ जगहों पर सोने चांदी काट और मिट्टी की कलम और साथ ही हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ 5 फन वाले नागदेव अंकित कर उनकी जरूर पूजा करें। याद से नागों के लिए कटोरी दूध को अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधि, ध्रुवा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रौली और चावल से उनकी पूजा करें और सेवइयां व मिष्ठान भी उन्हें जरूर भोग लगाएं और फिर नाग देवता की आरती कर कथा श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं नाग पंचमी की कथा के बारे में। बार की बात है जब एक सेठ जी हुआ करते थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी तो सबसे छोटे पुत्र की पत्नी थी वह श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भी भाई नहीं था। घर लीपने के लिए एक दिन घर की बड़ी बहू मिट्टी लाने के लिए बाकी सभी बहुओं के साथ चलने का आदेश देती है और तभी डालियां वह खुरपी लेकर मिट्टी खोदने को निकल पड़ती है। अचानक तभी वहां एक सांप आ जाता है जिसे देख सारी बहुएं डर जाती है। वहीं बड़ी बहू खुरपी से ही सांप को मारने लग जाती है। छोटी बहू से यह देखा नहीं जाता है और वह बड़ी बहू को ऐसा करने से रोक देती है। बड़ी बहू फिर सांप को नहीं मारती है और ऐसे में सांप एक और जाकर खड़ा हो जाता है। छोटी बहू को सांप पर दया आती है, वह उससे बोलती है कि हम अभी जाकर वापस लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। घर जाकर वह सांप को कही हुई बात भूल जाती है। वहीं दूसरे दिन जब बहू को सांप से कही बात याद आती है तो वह तुरंत सांप के पास पहुँचती है जहाँ वह उसी स्थान पर बैठा हुआ होता है। वह सांप से कहती है कि नमस्कार सर भैया। इसके जवाब में सांप भी कहता है कि तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो जो लोग झूठी बात कहते हैं उन्हें मैं डस लेता हूँ। छोटी बहू अपनी भूल के लिए माफी मांगती है और तभी से दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लग जाते हैं। अपने भाई का फर्ज अच्छे से निभा रहा था सांप। आए दिन अपनी बहन के घर खूब सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि पहुंचाया करता था, जिसे देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने ईर्ष्या में आकर छोटी बहू के पति को भड़काती है और अपनी पत्नी से सवाल करने को कहती है, आखिर उसके पास इतने धन कहां से आ रहे हैं। बस चिंगारी फैलने की देर थी। गुस्से में आकर वह अपनी पत्नी को बुलाकर पूछता है कि सच सच बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है। ऐसे में वह अपने भाई सांप को याद करने लगती है। उसी समय वह सांप प्रकट हो जाता है और कहता है, अगर कोई मेरी बहन के आचरण पर सवाल खड़ा करेगा तो मैं उसे निगल जाऊंगा। छोटी बहू का पति बहुत खुश हो जाता है और वह अपनी गलती मानकर सांप देवता का बहुत आदर सत्कार भी करता है।
बस उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सारी स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो बोलो ओम श्री नाग देवताय नमो नमः। तो दोस्तों नागपंचमी के दिन चार ये काम आप अवश्य करिए। जैसे नागपंचमी के खास दिन नाग देवता का दर्शन हर किसी को जरूर करना चाहिए। बांबी नाग देवता का निवास स्थान माना जाता है, उसकी भी पूजा करना ना भूलें। बता दें कि नागदेव को सुगंधी पुष्प व चंदन बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा करते वक्त खुशबूदार फूल और चंदन जरूर चढ़ाएं। और वहीं ओम कुरुकुल्ले हुन फट स्वाहा का जाप करने से सर्प विष दूर हो जाएगा और भगवान नाग देवता से जो मांगेंगे वह जरूर मिल जाएगा। दोस्तों नागपंचमी पे आप भी भगवान नागदेव की और सच्चे मन से और निष्ठा के साथ पूजा करिए, वो आपकी सारी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। तो नाग देवता के सच्चे भक्त कमेंट में नाग देवता की जय हो लिखना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रोमांचक और रहस्यमय वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए वेद संसार के साथ। धन्यवाद।